अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जाहिद और हाजिर खिदमत हूं डॉक्टर जाहिद और डॉक्टर ज़ारा शो के नए एपिसोड के साथ। वो कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ज़ाहिर है कि पिछले हफ़्ते मेरी को होस्ट डॉक्टर ज़ारा ने आपसे वादा किया था कि वो अब मुस्तकिल हर शो में मौजूद होंगी, लेकिन क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो अस्पताल में इस वक्त एक ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, कवरिंग डॉक्टर भी नहीं मिला। और ज़ाहिर है एक डॉक्टर की ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सबसे पहले पेशेंट और उनका वेलबींग। तो वो उन्होंने बड़ी माजरत का मैसेज भेजा है आपके लिए, उम्मीद है आप इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मेरे पास आज मेरी बहुत ही मुनफरिद एक मेरी मेहमान है, मैं आपसे उनका तारुफ करवाता हूँ। सोनिया अहमद हमारे साथ हैं, टोरंटो से तशरीफ़ लाई हैं। और सोनिया का एक बड़े मुनफरिद शोबा हयात से ताल्लुक़ है। जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के इब्तदा में दो एक बातें कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में नूर फार्मास्यूटिकल के तआवुन से पेश कर रहे हैं हम, और नूर वाइटामिन्स बनाते हैं वो। आपकी स्क्रीन पे उनका टेलीफोन नंबर और वेबसाइट एड्रेस आ रहा होगा, उनसे रब्ता कीजिए। ये 100% हलाल वाइटामिन बनाते हैं और इनके वाइटामिन्स कॉस्ट वाइज काफ़ी इनएक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू दूसरे जो मिलते हैं मार्केट में। और अगर आप इनको हमारे ZNZ डॉक्टर ज़ाहिद एंड ज़ारा शो के हवाले से बात करेंगे, ZNZ हमारा कोड है, तो वो आपको एक तो फ्री शिपिंग भेजेंगे और दूसरा ये कि आपको फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये प्लीज़ इनसे राबता कीजिए और अपने वाइटामिन्स की सप्लाई के लिए नूर वाइटामिन्स को कॉन्टेक्ट करें। दूसरे हमारे जो स्पॉन्सर हैं लैब USA वाले हैं। लैब USA हेवर हिल बॉस्टन के पास एक जगह है, वहाँ पे इनकी क्लिनिकल लैब है। फारूकी साहब इसके मालिक हैं, फारूक अफरीदी साहब, और वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। 1-800 नंबर भी आ रहा होगा और उनकी वेबसाइट भी है। क्लिनिकल लैब के हवाले से अगर आप उनसे कोई सर्विसेज हासिल करना चाहें तो ज़रूर रब्ता कीजिए। तो सोनिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ टोरंटो में, आई मीन न्यूयॉर्क में। अच्छा, तो कैसा रहा आपका सफ़र टोरंटो से न्यूयॉर्क का? छोटा सा सफ़र था, बट न्यूयॉर्क तो फुल ऑफ लाइफ है, तो मैं इन्जॉय करती रहती हूँ। जब भी मैं आती हूँ न्यूयॉर्क, आई एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। अच्छा, तो टोरंटो में काफ़ी अर्से से मुकीम है आप? जी जी, 11-12 साल से हूँ और 11-12 साल से शो भी हो रहे हमारे, तो दैट्स इट। अच्छा, शो के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ कि सोनिया अहमद जो है ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड और मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड और मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड पेजेंट की प्रेसिडेंट हैं। और कितने अरसे से आप ये पेजेंट अरेंज कर रही हैं? 2002 से, तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गए इसको। अच्छा, तो ये सालाना तौर पे आप अरेंज करती हैं? जी। अच्छा, तो ये कहाँ पे आपके शोज जो है अरेंज होते हैं? सबसे पहले हमने सबसे पहला शो जो मिस पाकिस्तान का किया था वो ओटावा में था, जो कैपिटल है कनाडा का जी। और हमने एक यूनिवर्सिटी लेवल पर किया था इसको, क्योंकि हम सब पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर थे। अच्छा, तो उसके बाद जब ये एक शो हो गया तब मैंने रियलाइज़ किया कि ओ माय गॉड, मुझे तो ये हर साल करना पड़ेगा अब। अच्छा, वो हमने एक बार करके। बहुत ज़्यादा रिस्पांस था आपको? जी जी, ओटावा में ऐसा था बिकॉज ओटावा एक सेंट्रल सिटी है जहाँ पर टोरंटो से लोग आने लग गए, किंगस्टन से, मॉन्ट्रियल से, मतलब हर जगह से पाकिस्तानी जो भी हमारी कम्युनिटी है वहाँ से वहाँ लोग आने लग गए थे। एंड हमारा पहला शो बहुत सक्सेसफुल था, ऑलमोस्ट 750 लोग आए थे ओटावा में। अच्छा, तो जैसे इसका स्कोप बढ़ता गया फिर हमने टोरंटो में शिफ्ट कर दिया, और टोरंटो में टोरंटो से हमने वो सेकंड शो शुरू किया और अब 12वां साल हो गया हम लोगों को करते हुए। हर साल करती हैं जी। अच्छा, ये देखें कि ये एक बड़ा अनयूजुअल शोबा है और हमारे बहुत सारे नाजरीन भी, हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है, उनके जहनों में सवालात होंगे इस मौजू पे जी। तो इसमें तनकीद भी होती होगी यकीनन, जो है लोग कपड़ों के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से सवाल भी लोगों के जहनों में उठते हैं। कुछ लोग इसको मजहबी रंग में भी देखने की कोशिश करते हैं, तो कैसे टैकल करती हैं? 12 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब हम यूनिवर्सिटी में थे, और यूनिवर्सिटी में वो जोश और वो जज्बा होता है कि हमें करना है, दिखाना है, कुछ शुरू करना है,
तो मैं और मेरी काफ़ी जो कोलीग्स थे, स्टूडेंट फ्रेंड्स थे, जो उस वक्त उस ज़माने में हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया था, हमने कहा कि यू नो व्हाट, पाकिस्तान को एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर चाहिए। और मिस पाकिस्तान एक ऐसा इवेंट हो गया जिसमें फ़ैशन आ गया, मॉडलिंग आ गई, उसमें थोड़ी सी एक्टिंग आ गई, उसमें टैलेंट आ गया, डांस आ गया, सिंगिंग आ गया, क्योंकि एक टैलेंट सेगमेंट भी होता है हमारा। अच्छा, तो हमने शुरुआत तो कर दिया, मगर ये नहीं हम लोगों को मालूम था कि ऐसे भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो हर चीज़ को, एंटरटेनमेंट को, एक बुरी नज़र से देखते हैं। तो जंग तो शुरू हो गई थी बिटवीन द यंगस्टर्स उस ज़माने में एंड द ओल्डर क्राउड और द ओल्डर जनरेशन, और वो जंग चलती आई है और अभी तक चलती रह रही है। तो आई मीन इसका मैं कोई एक यू नो वन ट्रैक जवाब दे नहीं सकती हूँ। पाकिस्तान एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुल्क है, पाकिस्तान एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुल्क रहेगा। पाकिस्तान के साथ जो भी चीज़ एसोसिएटेड होती है वो कॉन्ट्रोवर्सी ही होती है। तो मिस पाकिस्तान शुरुआत तो कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से ज़रूर हुई थी, मगर अब जाकर लोग हमें देख देख कर बोर हो गए, कहते हैं कि इट्स द सेम ओल्ड मिस पाकिस्तान। तो अब आई डोंट थिंक हमें इतनी मुखालफत मिलती है। अच्छा, आपको पता है हमारे शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हम लाइव कॉल्स लेते हैं हम नाज़रीन से। तो नाज़रीन, यू आर वेलकम टू मेक कॉल्स, और आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो मिस सोनिया अहमद हमारे साथ हैं, वो यकीनन आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगी। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो उनका ताल्लुक कहाँ से होता है? सारे कैनेडा से हैं या दुनिया के और ममालिक से भी आते हैं लोग? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड हमने इसलिए नाम रखा था, पहले जब हमने शुरुआत किया था हमने बहुत नैरो थिंकिंग से शुरू किया था कि हम मिस कैनेडा पाकिस्तान रखेंगे। तो जैसे शो की पॉपुलैरिटी एक साल में बढ़ गई तो हमें अमेरिकन पाकिस्तानी लड़कियों के कॉल्स आने लग गए, फिर यूरोपियन पाकिस्तानी, जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज, इवन पाकिस्तानीज एज फार एज दुबई और चाइना और इन सब मुल्कों से हमें कॉल्स आने लग गए कि हमें भी करना है मगर हम कैनेडियन नहीं हैं। तो हमने उस वक्त नाम बदल दिया, हमने कहा नहीं, वी हैव टू अकोमोडेट एवरीबॉडी। और आज तक डेनमार्क, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट और चाइना, इन सब से जहाँ पर भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं और जहाँ जिनको वीज़े की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है कनाडा अमेरिका आने के लिए, उन लोगों का फिर हमें वेरी इजी एंट्रेंस आ जाते हैं ओवरऑल। अच्छा, आपने पहले सवाल के जवाब में जो टर्म यूज़ की, इससे पहले कि मेरे नाज़रीन सवालों की बौछार करें, मेरे ख्याल में मैं ही आपसे पूछ लूँ, आपने एक टर्म यूज़ की कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान, आपने कंट्रोवर्सी, ज़रा मेरा ख्याल है वजाहत इसकी कीजिए कि पाकिस्तान कंट्रोवर्शियल मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, हर मुल्क में कंट्रोवर्सीज होती हैं, हर मुल्क की अपनी इडियोसिंक्रेसीज होती हैं और हवाले होते हैं, तो उसकी ज़रा वजाहत कीजिए, आपकी जो टर्म आपने यूज़ की ज़रा। आई थिंक मैंने जो कहा पाकिस्तान एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुल्क यूँ है कि हम लोग एक ऐसा मुल्क है जो एक जंग में फंसा हुआ है, चाहे वो इंडिया के साथ कोल्ड वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो अमेरिकन, और या तो चाहे तो कोई भी पॉलिटिकल यू नो, जब हम कुछ एकदम मॉडर्न चीज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे मिस पाकिस्तान एक काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट वीमेन, इट्स ऑल अबाउट वीमेन्स बोल्ड एटीट्यूड्स, और ये सारी चीज़ें जब हम प्लेटफॉर्म पर लाकर दिखाते हैं लोगों को, तो होता क्या है कि देर आर सम पार्ट्स ऑफ आर कम्युनिटी मेम्बर्स जो इन चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं, दे डोंट लाइक एंटरटेनमेंट, दे डोंट लाइक, हालांकि देखते वो सारे हैं, देखते सारे हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप अरेंज कर रहा हो, हाँ जी, चाहे वो एकेडमी अवार्ड्स हो रहे हो, चाहे वो एमटीवी के अवार्ड्स हो रहे हो, हमारे ही लोग बैठ के देखते हैं, आई गेस। लेकिन अगर कोई रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो उस पे लोग एतराज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लोग, उन लोगों को एक ऐसी ताकत मिली हुई है जहाँ पर वो कुछ भी कह देते हैं, उस चीज़ को पत्थर की लकीर बना देते हैं, जैसे नहीं ये गलत है तो मतलब गलत है। तो इन सब बैरियर्स को तोड़ने के लिए हमने मिस पाकिस्तान बनाया, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जो मिस अमेरिका में चली जाती थी, कोई कोई लड़कियां मिस इंडिया पैजेंट्स में चली जाती थी, मिस इंडिया यूएसए, कनाडा वगैरह जो भी होते हैं। तो मैं जब देखती थी कि हमारी जो पाकिस्तानी बच्चियाँ जो इन इवेंट्स में जाकर डांस कर रही हैं, यू नो सब कुछ कर रही हैं, तो मैंने सोचा
Why not कि हम अपने लोगों को अपने अम्ब्रेला के नीचे रखें और पाकिस्तान का नाम दे रहा दन कि ये बिखर कर इधर उधर कभी यू नो स्पेनिश में चले गए, कभी जमैकन में चले गए, कभी अमेरिकन मेन स्ट्रीम में चले गए, मतलब इन सब चीज़ों को हम अपने प्लेटफॉर्म पर ला कर दें. तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया एंड इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल. अच्छा, इसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो खास तौर पे लोगों को एतराज़ होता है, लेट्स गो इनटू द कंट्रोवर्शियल इशू फर्स्ट बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ योर शो. लोग बहुत एतराज़ होते हैं जी कि बिकिनी क्लैडेड लोग जो है वो स्टेज पे फिरते हैं या कपड़ों के बगैर. तो आप से मेरी जब शो से पहले बात हुई, आपने बताया कि वो काफ़ी अर्से से वो सेगमेंट जी निकल गया है, हमने शो में हिस्सा नहीं है वो. जी नहीं, हम बिकिनीज और स्विम वेयर वगैरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इट्स अ वेरी देसी इवेंट जी. और चाहे आप कितने भी मॉडर्न देसी हो जाए, एक मैं पाकिस्तान के मुतालिक नहीं बात कर रही हूँ, आप कोई भी मतलब मुल्क उठा लें तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होता है. आई मीन दे डोंट एक्सपोज टू दैट एक्सटेंट, स्पेशली जब आप यहाँ पर हो, बाहर हो अपने मुल्कों से. तो अनफॉर्चुनेटली मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम वो फुल फ्लैश ब्यूटी पैजेंट नहीं कह सकते अपने आप को बिकॉज स्विमवेयर नहीं है, मगर हमने निकाल दिया बिकॉज टू बिगिन विथ वी नेवर स्टार्टेड इट, बट वी हैवंट यू नो प्रमोटेड इट टू दैट एक्सटेंट इन द मिस पाकिस्तान पैजेंट. मतलब मिस पाकिस्तान पैजेंट के अंदर कोई भी बिकिनी राउंड नहीं है. ठीक जी. तो ये जो है आप सिलेक्ट जो करती हैं आपने पार्टिसिपेंट मेल या फीमेल या मिसेस पाकिस्तान, ये आपके इस साल का जो मैगज़ीन में देख रहा हूँ, हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे, इसके फ्रंट पेज पे हमारी जो है ये मिसेस पाकिस्तान है इस साल. जी, ये मिसेस पाकिस्तान 2013 फरा महमूद थी जी. और हुआ क्या था, मिस पाकिस्तान के बाद ऐसी काफ़ी लड़कियां थी जो यंग भी थी और शादीशुदा भी थी. अब सबके दिल में आस तो थी कि हमें भी करना. कोई कोई लड़कियों ने जल्दी शादियां कर ली थी एंड दे मस्ट बी 25, 26, 28, 30, 35, 40, जो भी उम्र है, एंड उनको भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना था. बट हम रिजेक्ट करने लग गए थे कि नहीं जी, यू आर मैरिड, क्योंकि मिस पाकिस्तान का रूल है कि यू हैव टू बी सिंगल. उसके बाद हमने कहा कि देखें, डिमांड तो बहुत है क्योंकि एवरीथिंग दैट वी स्टार्टेड वाज ऑन डिमांड. अगर हमने मिस पाकिस्तान शुरू किया वो डिमांड के ऊपर था, अगर हमने मिसेस पाकिस्तान शुरू किया वो भी डिमांड पर था. तो राइट अवर आफ्टर मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2007 में हमने पहली मिसेस पाकिस्तान अनाउंस करी और वो मिसबा इकबाल ह्यूस्टन से थी, अमेरिका. अच्छा. से तो उनके बाद फिर समन हसनैन सैन फ्रांसिस्को से बनी मिसेस पाकिस्तान, फिर सिलसिला चलता गया और फिर फरा महमूद लास्ट ईयर 2013 में थी और इस साल की मरियम मोहम्मद सियाटल से है. सो फ्रॉम सियाटल यूएसए मरियम मोहम्मद, एंड मतलब सातवां साल चल रहा है मिसेस पाकिस्तान के लिए और वो भी हमने मुकम्मल कंप्लीट कर दिया. अच्छा, मिस्टर पाकिस्तान का तसव्वुर जो है, मिस्टर पाकिस्तान के आमतौर पे होता है जरा बॉडी बिल्डर वो जो होते हैं आमतौर पे, लेकिन ये इस पेजेंट में जो मिस्टर पाकिस्तान आते हैं वो तो कोई गुड लुकिंग हैंडसम स्मार्ट लड़के या यंग मैन होंगे. वो कहानी यूं चली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली सबको बताना चाह रही हूँ कि जब हम मिस पाकिस्तान करने लग गए और मिसेस पाकिस्तान करने लगे, हमारे पास लाइनअप लगती थी लड़कों की. अच्छा. वॉलंटियर करने के लिए. अच्छा. अब मैं जब इनको देखती थी मैं कहती थी ये वॉलंटियर क्यों करना चाहते हैं, आई थिंक दे जस्ट वॉन्टेड टू बी अराउंड ऑल द प्रिटी लेडीज एक्चुअली. तो फिर हमने हो गए काफी. मिस पाकिस्तान एक रिश्तों की जगह है, सभी रिश्ते हो जाते हैं. ये एक बहुत बड़ी हमारी समाजी जरूरत भी है, आपको पता है सोशल जरूरत बहुत ज्यादा है. बाज कंपनियां, बाज ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज कराती हैं इस तरीके से. इवन अपना जो है एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसका मैं एक मेंबर भी हूं, वहां पे भी हमारे यहाँ जो एनुअल इवेंट होता है उसमें सोशल फोरम है, बाकायदा एक ग्रुप है ख्वातीन का जो अरेंज करती हैं रिश्तों के लिए गैदरिंग. तो एक अगर इसका एक पॉजिटिव आउटकम ये है तो व्हाई नॉट. या व्हाई नॉट. और हुआ क्या था कि जब ये वॉलंटियर्स बनकर आने लगे तो हमने मना कर दिया. हमने कहा अगर आपको शो में करना ही है कुछ तो आप मिस्टर पाकिस्तान बनकर आ जाओ. उस वक्त 2011 में मिस्टर पाकिस्तान का हमने पहला शो किया मिस पाकिस्तान के साथ और वो उससे भी ज़्यादा, मतलब मिस पाकिस्तान के जितने भी शो थे, जैसे मिस्टर पाकिस्तान के लड़के आए उन्होंने सारे के सारे शो पिटा दिए. इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल शो कि हमने मिस, मिस्टर और मिसेस एक साथ करने लग गए.
तो बहुत ही मेगा शो बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोर्थ कंपोनेंट है, मिसेस तो पाकिस्तान हो गई, जो शादीशुदा मर्द हजरात जो जिनकी ख्वाहिश है कि वो आके स्टेज पे अपने टैलेंट का मुजाहरा करें, तो वो तो फोर्थ कंपोनेंट तो रह गया बीच में। वो काफी बोरिंग है डॉक्टर साहिद, वो आप कर लेना डॉक्टर ज़ारा के साथ। नाज़रीन आपको मैं याद दिलाता चलूं कि आज हमारा टॉपिक जो है वो मेडिसिन से हटके है, और ये ख़ास तौर पे हमने सोचा कि बहुत दिनों से हम डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और लंग डिजीज़ और स्मोकिंग और प्रेगनेंसी और हर चीज़ पे हम बात करते हैं, आज ज़रा हम हटके थोड़ी सी बात करते हैं ज़िंदगी के उन पहलुओं की तरफ जिनको आम तौर पे हमारी नज़र से मुखफी रहते हैं, और लोग समझते हैं कि ये कोई एक बड़ा ही कोई अनयूजुअल एक बड़ा छुपा हुआ एक ग्रुप है जो ये सारी चीज़ें, लेकिन देर आर पीपल आउट देयर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है प्रोग्राम से पहले सोनिया से, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय से हमें नवाजें और ज़रूर सवाल कीजिए ताकि हम इस चीज़ को खुल कर डिस्कस करें कि ये कोई खुफिया ग्रुप है या एक आम रूटीन लाइफ के लोग हैं जो इनमें हिस्सा लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और हर एक का अपना व्यू पॉइंट है, हर एक का अपना शौक है। बाज़ लोग बहुत खूबसूरत हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि वो स्क्रीन पे आए मीडिया में आए, कुछ लोगों को स्टेज फ्राइट भी होता है कि वो बात नहीं कर सकते माइक के ऊपर, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो बोलने पर आए तो रुकने पर दम नहीं लेते। तो अच्छा ये बताइए कि जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं कितने लोगों से शुरू करती हैं आप इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद? हमारी जो जिस तरीके से हमने ये शुरू किया है, हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होती हैं। अच्छा। तो वी गेट अबाउट मे बी 40 to 50 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप से, यू नो, और फिर वहाँ से हम लोग फाइनल करते हैं टॉप 10 या टॉप 12 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो टोटल 12 लड़कियाँ होती फाइनलिस्ट जो स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देती हैं। अच्छा जी, तो परफॉर्मेंस के लिए जजिंग क्राइटेरिया कोई होता है आपका कि जो है लुक्स है, परफॉर्मेंस ऑन द माइक है, इंटेलिजेंस है, उनके सवालात के जवाब देने का अंदाज है उनको, और क्या चीज़ें जो आप इवैल्यूएट करते हैं अपने शो में? जो मिस पाकिस्तान और मिस्टर पाकिस्तान का जो इवेंट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड होता है। इंट्रोडक्शन राउंड के बाद हम लोगों के क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं जी, फिर उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल राउंड होता है। ट्रेडिशनल राउंड के बाद फिर लड़कियों के लिए हमारा टैलेंट होता है, लड़के टैलेंट वैसे करना नहीं पसंद करते डांस वगैरह, तो हम लोग लड़कियों के लिए टैलेंट रखते हैं, और उसके बाद वी चूज द टॉप 5। सोनिया यहाँ मैं आपको कदा कलामी माफ़ी चाहूँगा, हमारी एक कॉलर है, पहली कॉलर है आज के शो की, बॉस्टन से फौजिया है जी। फौजिया वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप लोगों का शो बहुत अच्छा होता है, आई लव योर शो। थैंक यू वेरी मच। आई वांटेड टू नो कि बहुत सारे गर्ल्स जो यहाँ पर जैसे वो कह रही थी रिश्ते वगैरह होते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज हु कम फ्रॉम पाकिस्तान, मगर यहाँ की गर्ल्स जो है दे डोंट वांट टू मैरी बॉयज फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये भी जरा थोड़ा गर्ल्स को इंकरेज करें कि rather than just sitting around and getting older and older, and these boys are actually talented boys and they're very educated, so why don't they accept those boys? Like, what's wrong with those boys? That's a very $1 million question. You have raised a very, very interesting topic. Thank you so much for making this phone call, and I guess this your question itself carries a lot of answers in there, and our audience must be listening to your question and they must be pondering later on after the show and read on. They will, I would like my audience to ponder about it, that why the girls are more interested in people who are born and raised here and not coming from outside the country. Maybe there are cultural differences are too stark, maybe there is an accent issue, maybe jo hamare pakistan ke mukhtalif ilaqon se aate hain log wo angrezi bolne mein itne mahir nahi hote, families jo yahan pe rehti hain unka itna arsa ho gaya america mein rehte hue ke wo pakistan se aane wale logon se ek tarah se kat ke reh gaye hain, to unko apprehensions hoti hain ke pata nahi wahan pe किस तरीके के लोग होंगे पीछे, तो बड़े सारे इश्यूज हैं। हम बात करेंगे इस सवाल के ऊपर ड्यूरिंग द शो। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए जो लड़कों के हवाले से आप कर रही थी।
जी, मैं वैसे भूल के ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया, आई नो. मगर बट हाँ, जैसे मिस मिस्टर पाकिस्तान का इवेंट आ गया हमारे मिस पाकिस्तान के साथ, तो फिर वो मेगा हिट हो गया, और उस 2011 के बाद हम लोग हर शो हमारा सक्सेसफुल गया है. अच्छा. एंड द रीसेंट वन इनफैक्ट मिस्टर पाकिस्तान को जिन्होंने अवार्ड दिया, वो नुमान एजाज जो हमारे हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाला था. जी, आपके मैं देख रहा था फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी आपके शोज की बहुत सारी झलकियाँ मौजूद है. जी. मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आप देखना चाहें तो, अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम वो डीवीडी अभी नहीं चला पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारा जब रीरन ये प्रोग्राम चले तो उसमें वो सेगमेंट्स आपको दिखाएं, वो झलकियां दिखाएं जो आपके प्रोग्रामों की पिछले साल या उससे पहले सालों में रही हैं. तो वो यकीनन नुमान एजाज बताइए, वो तो बहुत बड़ा नाम है टीवी की दुनिया में, और आजकल वो पाकिस्तान में एक अपना उनका भी टेलीविजन शो चल रहा है, तो वो कैसे आपके शो के अंदर पार्टिसिपेंट थे वो? नुमान एजाज कमेंटेटर थे, वो क्या रन कर रहे थे शो को? नुमान एजाज हमारे शो के चीफ गेस्ट थे. अच्छा. वो कनाडा आए थे हमारे शो के लिए स्पेशली. अच्छा. और वैसे मैंने उनको कहा था कि आप अवार्ड देंगे मिस्टर पाकिस्तान को, तो वो मुझे बैक स्टेज कह रहे हैं कि ये तो आपने ज्यादती की, मुझे मिस पाकिस्तान को देना था अवार्ड. बट ही वॉज अ स्पोर्ट. आई थिंक हमारे शो में इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी आती है, एंड वो उनको देख कर ही काफ़ी हैरान हो गए थे. ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग, एंड ही डिड एन अमेजिंग जॉब. और मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड को उन्होंने वो सैश भी पहनाया मिस्टर पाकिस्तान का, और उनको एक ट्रॉफी भी दी अवार्ड के तौर पर. और इट वॉज अ ग्रेट प्रेजेंस टू हैव हिम ओवर देयर एक्चुअली. अच्छा, दैट इज ग्रेट. कि आपके और भी लोग आते होंगे इस तरह आप इनवाइट करते? जी. कॉल मेरी एक कॉल है जी. जी, हमारे कॉलर हैं. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे कान में आवाज़ आ रही होती है, तो आपको मेरे चेहरे के तासीर से पता लग जाएगा कि मुझे कोई कॉल आ रही है. लॉस एंजलिस से हैं जी हमारे साथ कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं वो जो पहले कॉल आई थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, एक ओल्ड लेडी की. जी जी. ये पाकिस्तान से जो अगर लड़कियों के साथ शादी करना हो. जी जी. तो उसकी इम्प्लीकेशन जो है ना, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ वो बेटी के लिए. जी. तो वो मसला ये है कि जो पाकिस्तान में लड़का ग्रो होता है ना, उसकी कल्चरल ग्रूमिंग जी. और हर चीज जो है ना वो डिफरेंट होती है. तो अगर मेरी बेटी है तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो लड़के से शादी करूँ अपनी बेटी की, के जो एक डिफरेंट वेरी कंजर्वेटिव कल्चर में ग्रो अप हुआ है. क्योंकि यहाँ पे अब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो यू नो यू हैड यू काइंड ऑफ गेट टुगेदर एंड सीट एंड टॉक एंड लाफ एंड यू नो कई दफा आप मिल भी लेते हैं, गले भी दूसरे से ना. जी, एक बात जी, कर रहा हूँ. बिल्कुल, तो बिल्कुल. अगर पाकिस्तान से लड़का आता है तो इट इज अ बिग डील. आई थिंक इट इज नॉट डूएबल. इफ सम डॉटर हैव बीन ग्रोन इन यूएसए, इवन वो जो गाय मॉडरेट भी हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू. मैंने बहुत देखा है कि लोगों की डिवोर्स हो जाती है इधर आके, दो तीन साल में ग्रीन कार्ड बना, लड़का लड़की को छोड़ के भाग जाता है. आपकी बात में काफी हद तक सदाकत है. तो ये है कि इस चीज पर बहुत शुक्रिया. पहले बेटी की कॉल आ रही थी, देयर वाज अ गर्ल कॉलिंग. इट इज नॉट प्रैक्टिकल आई थिंक. जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और मैं आपके इस ख्याल का जो है 100% तो एग्री नहीं करता. उसकी वजह यह है कि मैं खुद ज़ाती तौर पे इस बात की मिसाल हूँ. मैं जब पाकिस्तान से आया था, आई बिकेम अ डॉक्टर इन पाकिस्तान एंड आई लिव्ड ऑल माई लाइफ इन पाकिस्तान बिफोर कमिंग टू यूएस. और मेरी एक अमेरिका में पलने वाली लड़की से शादी हुई थी, एंड माशाल्लाह इट्स अ वेरी सक्सेसफुल शादी. तो इंडिविजुअल केस पे होता है जी. और डिपेंड करता है कि किस उनकी किस जगह पे ब्रॉट अप हुआ है, उनकी फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं. और वक्त के साथ इंसान अपने आप को ग्रूम भी करता है. जाहिर है कि हम अंग्रेज़ी बोलने वाले तो लोग नहीं हैं, अंग्रेज़ी तो हमने सीखी है, सारी उम्र पढ़ा है अंग्रेज़ी में, लेकिन बोलना आजकल पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि बड़े, हमारा जो ड्राइवर है लाहौर में मेरे अब्बा का, वो मेरे साथ अंग्रेजी में बात करता है, लेकिन वक्त बदल गया है, बड़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं. आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, मिस पाकिस्तान जब हमने शो शुरू किया उसमें मिस्टर पाकिस्तान जब हमने किया तो काफ़ी रिश्ते भी बन गए. हाँ जी. क्योंकि ये लाइक माइंडेड बच्चे हैं. व्हेन दे कम टुगेदर दे से ओके यू नो यू डांस, यू परफॉर्म, यू वांट टू मॉडल, यू वांट टू एक्ट. हम उनके कॉमन ग्राउंड्स काफ़ी
faith hai. Achcha. And that's why they meshed well, and most of them are happily, you know, in relationships right now. And it's a normal dating karte hain, jaise yahan ke bachche karte hain dating ke baad, phir, you know, etc, etc. Ab jo aapke ye jo sawal jin khatoon ne pehle pucha tha, main suni aapko yahan pe rokunga thodi der ke liye, hamari heartbreak ka waqt ho gaya. Achha. Mujhe control room se aa raha hukum. नाजरीन, एक छोटे से वक्फे पे हम जा रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू ज़िंदगी का आपसे और डिस्कस करेंगे आपके सामने. इजाज़त दीजिए, छोटी सी ब्रेक, और जाइएगा कहीं नहीं, वापस आएँ और शो को देखते रहिए.